देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा प्रवर समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की प्रवर समिति ने राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण संबंधी अड़चनों को दूर करने पर सहमति जता दी है। वहीं आगामी 2 दिनों में प्रवर समिति की आखिरी बैठक होगी। उस बैठक में आरक्षण संबंधी विधेयक के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। प्रवर समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री विनोद चमोली ने बताया कि राज्य आंदोलनकारी आरक्षण को लेकर जो समस्याएं सामने आई थी उन सभी को दूर कर समाधान कर लिया गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक थी और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहा हूं। अब हमने इसमें अंतिम रूप ले लिया है और बहुत जल्दी जो हमारी एक अडॉप्शन बैठक होती है वो करेंगे और कोशिश कर रहे हैं उसे भी हम बहुत जल्दी यानी 3 तारीख को करें। फिर हम ये फाइनल ड्राफ्ट बना के माननीय अध्यक्षा जी को सौंप देंगे, यानी कि हमारा काम लगभग इसमें पूरा हो जाएगा। देखिए, आज मीटिंग में जितने बिंदु हैं सभी पर फाइनल डिस्कशन हो गया है। अब सिर्फ एक बैठक होनी है जिसमें ड्राफ्ट बनकर जो है सब लोगों के साइन वगैरह जो आखिरी फॉर्मेलिटी है वो होनी बची है। और इसमें हमने कोशिश ये करी है कि किसी का अहित ना हो, जो 2004 से चाहे सीधी भर्ती से लगे हों चाहे आरक्षण का लाभ लेकर लगे हों, उन सबको सुरक्षित करने का काम किया है। हाईकोर्ट के स्टे के दौरान जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लिया था उनकी नियुक्ति हो गई थी लेकिन उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी, वो लोग ज्वाइन भी कर पाएंगे।